हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग देखेंगे आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी गई है। यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन ही मैं लाया हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आगे भी आपके लिए लाऊँगा। फिलहाल ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चन ले कर चलूँगा, आपके अंदर पहले मैं जो एक फोबिया सा बन गया है कि कैलकुलेशन बहुत ही कठिन होती है, आप उन कैलकुलेशंस को स्किप कर दीजिए एग्जामिनेशन में, तो वो चीज़ आप नहीं करोगे तो अपने आप 20 से 25 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल पार्ट आप सबका अच्छा चल ही रहा होगा। आप लोगों ने कोलोजी वगैरह और सिटिक्स वगैरह पे आप ध्यान दे ही रहे होंगे, और आपके कुछ जो सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो गए होंगे। अगर नहीं भी होंगे दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, ये क्या है कि एक अच्छा वहाँ पे मतलब कि ना समझ पाने के कारण हमारे अंदर एक फोबिया सा डेवलप हो जाता है। तो इसी फोबिया को हटाने की कोशिश है मेरी कि एक जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी यहाँ पे समझ जाए। तो मैं इनको बहुत धीमे लेके चलूँगा, और क्योंकि मैं यहाँ पे माउस का दोस्तों प्रयोग कर रहा हूँ तो लिखने में मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह आपको भी ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ लिक्विड मेडिसिन इज सप्लाइड इन कंसेंट्रेशन ऑफ 20 mg/ml। अ पेशेंट रिक्वायर्स 40 mg ओरली 3 times daily फॉर 5 days। तो दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए कि एक लिक्विड मेडिसिन है जो कि कंसंट्रेशन में आती है 20 mg/ml, मीन्स 5 ml में 20 mg वो मेडिसिन है। इस तरह उसका कंसंट्रेशन बनता है 20 mg/ml। अब पेशेंट जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की 40 mg ओरली 3 times daily फॉर 5 days। इसके बाद 20 mg 3 times daily फॉर 5 days, और 20 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 days, एंड देन 20 mg वंस डेली फॉर 5 days। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेडिसिन दैट यू विल नीड टू डिस्पेंस। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो लिक्विड मेडिसिन देनी पड़ेगी उस कैंडिडेट को, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम, मीन्स आपको कितना वहाँ पर देना पड़ेगा उसको। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सी स्लोली चलूँगा, ना कि अपने रैंकर सीरीज़ की तरह यहाँ पे कोई जल्दीबाजी है। इसको पहले आप समझिए, ये बहुत बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बच्चे इनको स्किप कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हम लोगों का समय खाएंगे, जबकि क्या है कि दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन सीख गए तो आप वहाँ पर जो, अगर आपने इसको हल कर लिया, ठीक है, तो आपके एग्जैक्ट वहाँ पे आपको आंसर वहाँ दिखेगा, और आप इसको राइट करोगे, और इस तरह आपके 20 से 25 नंबर वहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन तो वहाँ दिखाई देते ही हैं कैलकुलेशन के। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई लिक्विड मेडिसिन है जिसका कंसंट्रेशन है 20 mg/ml, ठीक है। अब एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट है 40 mg ओरली 3 times daily फॉर 5 days। इसके बाद 20 mg 3 times daily फॉर 5 days, और उसके बाद 20 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 days, और 20 mg वंस डेली फॉर 5 days। तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको दिन दिया गया है, ठीक है, कितनी बार उसे रिक्वायरमेंट है और कितनी मात्रा में उसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको डिस्पेंस करने को दिया जाए, मीन्स उस पेशेंट को आप दवा दे रहे हो, ठीक है, वो एक साथ ले जाना चाह रहा है, तो आप उसको कितना दवा वहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमेशा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, मीन्स हमें यहाँ पे ml पे निकालना है इसका आंसर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सब ml में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ml यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंसंट्रेशन है वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 20 mg जो है कंसंट्रेशन, जो आपका 20 mg जो ड्रग है वो आपका 5 ml में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने लैपटॉप के इस माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा आप बस समझिएगा मेरी बातों को, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में आप प्रॉब्लम होगी होगी। तो जो आपका 20 mg जो ड्रग है वो 5 ml में है, ठीक है। तो अब हम उसकी जितनी भी ड्रग है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखो, 40 mg वो 3 बार लेता है और 5 दिन तक लेगा, तो कितना हो गया, 5 into 3 हो गया 15, और 15 into 40 कितना हो गया,
600, ठीक है। तो हमारा पहला निकला 600, ठीक। फिर दूसरा उसे जो लेना है वो कितना है, 20 mg 3 times daily फॉर 5 days। तो ये आपका कितना हो गया, आप उसको मल्टीप्लाई करो 20 × 3 × 5, तो ये आपका निकलेगा 300, ठीक है। तो 600 + 300, तो यहाँ पे जो दूसरा आया दोस्तों वो आया आपका 300, ठीक है। फिर दोस्तों 20 mg ट्वाइस डेली मीन्स 20 × 2 और 5 दिन तक लेगा तो कितना हो गया, 5 तो कितना हो गया 200, ठीक है। ये हो गया आपका 200 mg उसे ड्रग और लगेगी। फिर आपका 20 mg वंस डेली फॉर 5 डेज मीन्स 20 × 1 × 5, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 mg, तो 100 mg ड्रग भी उसे चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो उसे ड्रग चाहिए वो कितनी हो गई, वो हो गई 639 211 112, मीन्स उसे हो गई 1200 mg ड्रग उसे लेनी है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम कितना वॉल्यूम जो मेडिसिन है उसको दें कि ये 1200 mg ड्रग उसको मिल जाए, ठीक है। तो आप देखो कि आपको कंसंट्रेशन बताया गया है, तो 20 mg जो ड्रग है वो 5 ml में है, ठीक है। तो 1 mg ड्रग कितने में होगी, 1 mg ड्रग होगी आपकी कम में, मीन्स 5/20, ठीक है। इतने ml में 1 mg होगी, तो अब 1200 mg ड्रग के लिए हमें कितना ml वहाँ पे देना पड़ेगा 1200 के लिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 5/4, ठीक है। और 4 को तो ये कितना हो गया आपका दोस्तों 300 ml, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया कि 300 ml अगर हम वहाँ पे डिस्पेंस करेंगे ड्रग को तो हमें जो हमारी मात्रा चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगी, कहने का मतलब उसको 1200 mg का जो डोज है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि आप समझ गए होंगे कि मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये है बहुत आसान, ठीक है। बिल्कुल आपके कंसंट्रेशन से, जैसे एक मैथ में हम लोग निकालते हैं आंसर वैसे यहाँ पे निकालना है, तो ठीक है। इससे आपको डरना नहीं है, ये आपको समझना है कि जितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन उतना आसान क्वेश्चन, और अगर आप न्यूमेरिकल यहाँ क्वेश्चन करने लग गए तो आपकी रैंक यहाँ पर बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आसान क्वेश्चन है हम उसको भी स्किप कर देते हैं ये सोच के कि क्वेश्चन है हम एग्ज़ाम में करेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ एक आपकी गलत अप्रोच है, इसको आप मन से हटाइए। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, और ये सारे ही आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप ये भी नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे आसान क्वेश्चन लाए गए हैं, ये सारे ही आसान क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों ने छोड़े हैं और जिसकी वजह से उनके जो रैंक बन सकती है वो रैंक वहाँ पे नहीं आ पाती, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक 350 ग्राम ऑफ अ पेस्ट दैट कंटेन्स 15% वेट बाई वेट जिंक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 350 ग्राम ऑफ पेस्ट यहाँ पे बनाना है, ठीक है, जिसमें 15% वेट बाई वेट जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि जिंक ऑक्साइड कितनी मात्रा में होगा। 350 ग्राम का अगर हम पेस्ट बनाते हैं जिसमें 15% वेट बाई वेट जिंक ऑक्साइड होता है तो कितनी मात्रा में होगा, ठीक है। वो आपसे यहाँ पे ग्राम पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एग्जामिनर। तो आप सिंपली देखो दोस्तों, पहली चीज़ ये समझो कि 15 अगर आप ये चीज़ समझ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे। तो 15% वेट बाई वेट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो आप कि 15 ग्राम ड्रग जो है, ड्रग कहने का मतलब 15 ग्राम जिंक ऑक्साइड है आपका 100 mg में, ठीक है। तो आपका 15 ग्राम है आपका यहाँ पे 100 mg में, ठीक है। तो एक के लिए आपका कितना होगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। 15 ग्राम आपका 100 mg में, तो टोटल जो आपका पेस्ट है यहाँ पे, ये 100, यहाँ पे मैं mg कर रहा हूँ, 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम में आपका जो है कंसंट्रेशन जिंक ऑक्साइड का वो 15 ग्राम है, ठीक है।
तो 1 ग्राम में कितना होगा ये आप निकाल लोगे, जैसे भी आपने पहले निकाला 15/100, ठीक है, तो इतना होगा इसमें जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह 350 में कितना होगा, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, इसको आपको 350 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बस इतने में आपका आंसर आ गया। अब चलिए इसको कर भी लेते हैं एक बार, 10 ये कटा, 10 ये कटा आपका, 57 35, ठीक है, 52 10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका 52.50 ग्राम आ जाएगा। ये आप खुद करके देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि देखिए परसेंटेज मीन्स होता है 100, ठीक है, तो 15 ग्राम जिंक ऑक्साइड है आपका 100 ग्राम के पेस्ट में, और आपको बनाना है 350 ग्राम का पेस्ट, ठीक है। तो 100 ग्राम पेस्ट में 15 ग्राम आपका जिंक ऑक्साइड है, तो 350 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, और बस यही वैल्यू आपका एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जो लास्ट लाइन है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है और कौन सी वैल्यू राइट हैंड साइड में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और आप समझ सकते हो कि आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये और भी आपका आसान है, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं, यहाँ पोटेशियम पर मैगनेट लिखा है, 500 ml सोल्यूशन लिखा है, 50 mg लिखा है, तो यही सब देख के वहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि इस क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है कि 1 in 10,000 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें आपका 1 in 10,000 का कंसनट्रेशन आप मान लो, ठीक है, कि 10,000 ml में, ठीक है, आपका 1 ग्राम है वहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम पर मैगनेट, तो 1 ग्राम पोटेशियम पर मैगनेट है आपका 10,000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसी रेफरेंस में आप देखो कि नीचे यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि जैसे भी आप यूनिटरी मेथड से निकाल लेते, इसी तरह 1/10,000, ठीक है, ये है आपका। अब इसमें आपको सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है ये रख के बस देखने हैं कि किसका यहाँ पे जो mg है, ठीक है, कंसंट्रेशन सही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 500 ml, और किस्मत से मतलब कि हम लोगों का जो ऑप्शन है ये यही राइट है, तो यहाँ पे देखिए 500 ml को हम इसको डिवाइड करते, ठीक है, तो 500 यहाँ पे 20 आपके गए। अब 5/5 को काटिए, 100 को काटिए, आ गया 20, ठीक है, तो 1/20 ये कितना होगा, ये होगा आपका दोस्तों 0.05 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 0.05 ग्राम, ठीक है। अब इसी को आप जब मिलीग्राम करोगे तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/0.00, हाँ, तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 मिलीग्राम। तो दोस्तों देख लिया आपने कि पहला ही किस्मत से मतलब कि हम लोगों का जो आंसर है वो 50 मिलीग्राम यहाँ पे सही है। अब जैसे आप 100 ml यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर यहाँ पे 1 mg नहीं आएगा, इसलिए ये गलत होगा। इसी तरह जब आप 500 ml से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 5 mg नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको यहाँ पे गलत हो सकती है मेरी तरफ से, तो आप एक बार अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे माउस चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसका कुछ मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक बार करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा। और जो आपका स्टेप है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम दिए गए हैं ऑप्शन में, 5 हैं आपके ऑप्शन, ऑफ एन एड्रेनिल 1 in 1000 सोल्यूशन वुड बी गिवन बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू अ 2-year-old चाइल्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस इफ द डोज वर 120 माइक्रोग्राम। तो आपको ध्यान देना, माइक्रोग्राम में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का अर्थ मैं बता देता हूँ, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स ऑफ एन एड्रेनलिन 1 in 1000 सोल्यूशन वुड बी गिवन बाई इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन टू अ 2-year-old चाइल्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस इफ द डोज वर 120 माइक्रोग्राम, ठीक है।
अगर 120 माइक्रोग्राम का डोज एक 2 साल के बच्चे को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकालना है। और ये भी बता दिया गया है कि जो एड्रेनलिन का यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, एक जो कंसंट्रेशन है वो 1 in 1000 है, मींस 1 gram in 1000 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन एक तरह से पता है कि एड्रेनलिन की मात्रा 1 है 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, और आपको निकालना है 120 माइक्रोग्राम। तो सिंपली अगर आप ये जानते हो दोस्तों कि ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब ये कह रहा है कि 1 ग्राम जो है, ठीक है, वो कितने में है, वो 1000 ml पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे देखो दोस्तों ml पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ml आपकी इधर ही रहेगा, ठीक है। अब 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक है, या ये कह लीजिए कि 30 और बढ़ा लीजिए, ये हो गया माइक्रोग्राम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो माइक्रोग्राम में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो माइक्रोग्राम है, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन, हमें 1 माइक्रोग्राम की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 1000 1000, ठीक है, और इसको आपका 120 मिलीग्राम पूछा गया। तो सिंपली यूनिटरी मेथड पे ही है ये सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12 ml। तो बस सिंपली आपका यहाँ पे ml आ गया। तो आपको जब कंसंट्रेशन दी गई है, ऐसे सवाल आते भी बहुत हैं, तो सिंपली अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह यहाँ पे पता है कि कितने ग्राम बराबर मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, तो आप सिंपली क्वेश्चन वहाँ पे कर ले जाओगे। क्वेश्चन की कभी भी लेंथ और उसकी जो डिफिनीशन, इतने ढेर सारा यहाँ पे दिया रहता है कि इंट्रामस्कुलर दिया गया, 2 साल के बच्चे को दिया गया, जिससे इसकी जो सेंटेंस की लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। इससे कभी आप घबराइएगा नहीं, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा देखो हम लोगों को पहली बार में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है और बहुत बच्चे इसको स्किप करेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिक्वायर्ड टू मेक 400 ml ऑफ एन एक्वस स्टॉक सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने अमाउंट का कॉपर सल्फेट हम यहाँ पे लेंगे कि एक 500 ml का एक्वस स्टॉक सोल्यूशन हम बनाएं, ठीक है। अब वो जो स्टॉक सोल्यूशन है उसके लिए सुन लीजिए, व्हेन द स्टॉक सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड 50 times, तो जो स्टॉक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, और उसको हम डाइल्यूट करेंगे 50 गुना, ठीक है, तो एक फाइनल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। वो फाइनल सोल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का होगा, उसका कंसंट्रेशन 0.1% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब दोस्तों इतनी सेंटेंस से ही या तो बिना पढ़े लड़के चले जाते हैं, या फिर वो पढ़ के इसको तुरंत स्किप मार देंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान है। आसान कैसे है कि जब भी आपको कंसंट्रेशन दिया हो, मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज है, तो वो 100 लेना है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो 0.1% वेट बाई वॉल्यूम कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ कि 0.1 ग्राम जो है, ठीक है, वो कितने में है, 100 ml पे है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके सामने दिया है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। हम इस पर पीछे से चलेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है हम वैसे ही यहाँ पे चलते हैं, वैसे ही अपना सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि 0.1 ग्राम आपका 100 ml में है, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि हम जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे उसको 50 times मतलब यहाँ पे उसको डाइल्यूट करेंगे। तो 0.1 को जब आप 50 times डाइल्यूट करोगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 50 आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा 100 ml में, ठीक है, कितना हो गया 5 ग्राम 100 ml में। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बन गई, 5 ग्राम 100 ml में। अब आपसे सिंपली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 400 ml में कितना कॉपर सल्फेट होगा। आपको पता है कि 100 ml में 5 ग्राम है, तो 400 में कितना होगा, सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20, और आंसर आपका आ गया 20। तो अब आप देख लो कि क्वेश्चन कितना कठिन लगता है लेकिन कितना आसान है, ठीक है। इस तरह के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ कि आप उनका वहाँ पर प्रैक्टिस मारो। अ चाइल्ड रिक्वायर अ सिंगल ओरल डोज डेली डोज ऑफ 7
मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ अ ड्रग, द चाइल्ड वेट इज 8 किलोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल डेली डोज ऑफ ड्रग ए इज रिसीव्ड बाय दिस चाइल्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, और मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि बहुत से लोगों को यहाँ पे ये आसान लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों हमारी कोशिश यही रही है कि हमेशा कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने अभी तक बहुत कम कंसंट्रेशन क्लास में दी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लाया जाए और उनको यहाँ पे टॉपर बनाया जाए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मतलब स्किप कर दीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आसान क्वेश्चन आते हैं, यहाँ टफ भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं मेहनत करके। तो आप बिल्कुल इस चीज़ों में आप बिल्कुल वो मत कीजिएगा कि इस चैनल में बिल्कुल आसान आते हैं, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए। मेन कंसंट्रेशन है दोस्तों कि आपको सिलेक्शन और रैंक कैसे यहाँ पर दिलाई जाए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ कह रहा है कि अ चाइल्ड रिक्वायर सिंगल ओरल डेली डोज ऑफ 7 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट ड्रग। तो चाइल्ड का वेट जो है वो 8 किलोग्राम है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो ड्रग है वो 7 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से है, ठीक है। तो और बच्चे का जो बॉडी वेट है वो 8 किलोग्राम है, तो सिंपली आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पर किलोग्राम 7 है, तो 8 किलोग्राम में कितनी होगी, 8 7 56। तो आपका आंसर जो यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना आएगा, तो ये इस पर सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितनी दम है, ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर गए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है और आप ये समझ गए कि केवल लैंग्वेज जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी तो उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि रेसिडेंशियल होम पर रहता है, टू विच यू सप्लाई मेडिकेशन इन गोइंग ऑन हॉलीडे। अब कोई है पेशेंट जो कि हॉलीडे में जा रहा है, ठीक है, और उसको नीड्स हर प्रिस्क्रिप्शन फॉर 5 डेज, क्योंकि 5 दिन के लिए बाहर रहेगा, तो उसको 5 दिन का आप प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे दोगे, वहाँ पे उसको आप 5 दिन का जितना भी खुराक है वो उसको दे दोगे ताकि वो वहाँ पे खुद ले सके, ठीक है। तो अब देखना है कि वो कितना वहाँ पे मेडिसिन लेता है। तो यूजली वो क्या करता है कि रेनिटिडीन वो लेता है 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, और एटिनोलॉल को लेता है 50 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग, मींस एक टाइम ही लेता है, ठीक है। तो 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना लेता है, 150 × 3 मतलब 300 मिलीग्राम लेता है एक दिन में, तो 5 दिन में कितना लेगा, 5 दिन में वो लेगा 1500 मिलीग्राम। तो इसको आप एक जगह लिख लो, ठीक है, 1500 मिलीग्राम। मेरे ख्याल से मैं सही हूँ, क्योंकि 150 मिलीग्राम को दो बार लेता है तो ये हो गया 300, और वो आपका 5 दिन तक लेगा तो ये हो गया आपका 1500, ठीक है। तो रेनिटिडीन वो लेगा 1500 मिलीग्राम, और जो एटिनोलॉल है ये लेगा 50 ग्राम है, तो 50 × 5 कितना हो गया, 250, ठीक है। तो इसको जो एटिनोलॉल चाहिए वो चाहिए 250 मिलीग्राम, ठीक है, इसको एटिनोलॉल चाहिए, तो इसको जो ड्रग टोटल चाहिए वो इतनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो सिरप है, जेंटेक सिरप है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटेक सिरप और टिनोरमिन सिरप का यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन है, तो जो उनका कंसंट्रेशन है वो ये है कि जेंटेक सिरप में जो रेनिटिडीन की मात्रा है वो 5 ml में, ठीक है, 75 मिलीग्राम है, या ये कहिए कि 75 मिलीग्राम में जो ड्रग है आपकी वो 5 ml में है, ठीक है, और आपको चाहिए कितना, 1500 मिलीग्राम, तो 75 आपका 5 पे है, ठीक है, तो 5/ हो गया 75 × 15, ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 ml, ठीक है, अपॉन 75 × 15। बस सिंपली आपको ये सॉल्व करना है, 5 ये कितना गया, 5 × 5 5 × 25, आप काटोगे तो यहाँ पे आएगा 100 ml। तो 100 ml जेंटेक सिरप, ठीक है, ये आपको, और टिनोरमिन सिरप, ठीक है, जिसमें आपका एटिनोलॉल पड़ा है वो भी आप ऐसे निकाल लो कि 25 मिलीग्राम 5 ml में, ठीक है, आपको चाहिए कितना, 250। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल सिंपल है कि 25 और 250 मीन्स 10 × 5 मीन्स 50 ml, ठीक है। तो आप सिंपली देख रहे हो दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन कितने आसान थे, इनकी केवल डिफिनीशन या इनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा बड़ी लिख दी जाती है जिससे बच्चे घबरा जाते हैं,
क्योंकि टीचर इन्हें जो आपके फैकल्टी मेंबर्स वगैरह हैं इनको पहले से सही से नहीं समझा रहते हैं, आपका कंसेप्ट नहीं बना होता है, इसलिए आप बिल्कुल डर जाते हैं लैंग्वेज देख के, जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों नहीं करना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं इसको शेयर भी करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि अभी मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। हमारी रैंकर सीरीज़ यहाँ चलती रहती है, थोड़ा सा इस बार विलम्ब हो गया दोस्तों क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था, लेकिन अब आपके लिए यहाँ पर रेगुलर आती रहेंगी। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन अभी आपको और लाने हैं और समझाने हैं, और जो आपके फोबिया है उसको दूर करके आपका जो रैंक है वहाँ पे और अच्छा लाना है। और जो बच्चे दोस्तों मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, मैं और स्टडी मटेरियल वगैरह उन्हें लिया हुआ है, और जो नहीं भी लिए हुए हैं दोस्तों मैं उनको बता दूं दोस्तों कि आप www.estudycard.com से जाके हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसको ले सकते हैं। वो एक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है जहाँ पर आपको वीडियोज़ वगैरह अपडेट होते रहते हैं दोस्तों, और हमारी अभी बहुत से वीडियो हैं जिसमें अपडेट होंगे जो आपके काम आएंगी। अभी आपका सेकंड स्टडी मटेरियल भी आने वाला है जिसमें आपके लिए नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज बहुत होंगे वहाँ पे, और साथ ही साथ आपका जो कोलोजी वगैरह के चैप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि एट लीस्ट जो बच्चे बहुत ही वीक हैं वो वहाँ पर उस एग्ज़ामिनेशन को तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं इतने कुछ मटेरियल से। ठीक है, उन्हें अगर वो सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन वो स्किप कर दें, बल्कि स्टडी मटेरियल ही आप सिंपली अगर कर लोगे दोस्तों तो वहाँ आप क्वालिफाई तो बहुत आसानी से हो ही जाओगे। तो दोस्तों जो और जो व्हाट्सएप में भी हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम कम दे पाऊँगा, जैसे मैं पहले रिप्लाई करता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप में तो कहीं ना कहीं जो एक टाइम है या रैंकर सीरीज़ बनाने का या आपका स्टडी मटेरियल बनाने का वो मैं वहाँ पर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपके सवाल जवाब वगैरह देता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप में मैं अब इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसा वो पूछेंगे दोस्तों तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ जैसे पहले मैं करते आया हूँ, लेकिन अब मैक्सिमम टाइम ये मैं या एफर्ट जो है वो इधर ही डालूँगा रैंकर सीरीज़ और आपके स्टडी मटेरियल के लिए, ताकि आप वहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।